हरे कृष्णा। मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के बारे में कि जो सिंह राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज आपकी प्रगति किस क्षेत्र में होगी, किस व्यापार से आपको लाभ मिलेगा, अब किस अधिकारी से लाभ मिलेगा और किससे आज आपको धोखा मिल सकता है, ये सब भी आज हम आपको बताने वाले हैं। और आज आपकी शिक्षा के क्षेत्र में से क्या होने वाला है, माता पिता से कैसा संबंध होगा और मित्रों के से क्या हाल होगा, ये सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। आज हम आपको सावधानियां भी बताएंगे कि क्या सावधानियां बरतनी है, उपाय क्या करना है और आपके लिए शुभ अंक क्या होगा, शुभ रंग क्या होगा, ये सब आज हम आपको बताएंगे। यदि आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। ज्योतिष से संबंधित कोई भी आपके मन में जिज्ञासा है या कोई प्रश्न जानना चाहते हैं तो आप इन बॉक्स में जाएं, अपना प्रश्न लिखें और अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके भेजें ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए कि जो सिंह राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो जो सिंह राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन खास तौर से थोड़ा सा बड़ा उतार चढ़ाव का रहेगा। आपको बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है लेकिन चुनौतियों का सामना करते हुए आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे, आपकी माली हालत अच्छी होगी, रोग और शत्रु परास्त होंगे, दूर देश की यात्रा का भी योग बन रहा है, तीर्थाटन देशाटन से भी करने का मन आपका लगेगा और आज आप किसी मंदिर इत्यादि का भी निर्माण कर सकते हैं। संस्कृत और संस्कृति से संबंधित जुड़े हुए कार्य में आपका रुचि होगा, आध्यात्मिक प्रगति होगी। किसी आध्यात्मिक गुरु के मिलने से आज आपके मन में तमाम आध्यात्मिक विकास होने की संभावना बन रही है। आपके मन में तमाम तरह के क्वेश्चंस है, आज सारे प्रश्नों का उत्तर भी आज आपको मिल सकता है और आज आपकी जो भी महत्वाकांक्षाएँ हैं, इमेजिनेशंस हैं, वो रियलिटी में बदलने का समय आ गया है। और आज यदि आप कोई भी प्लान करते हैं तो सोच समझ करके करें, साझेदारी में कार्य न करें और आज अपने इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल सकते हैं तो उस पर कार्य करें। टास्क टारगेट ओरिएंटेड होके कार्य करना आपके लिए लाभप्रद होगा। यदि आप किसी फिल्म में हैं या फिल्म बनाना चाहते हैं या अभिनय के क्षेत्र में हैं तो आज आपके लिए यह क्षेत्र बहुत ही उपयोगी होगा, आज उससे लाभ मिलेगा और जो फिल्में बनेंगी या जो फिल्म आपका होगा उस अभिनय से आज आपको काफ़ी ख्याति मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा और कोई भी नया कार्य करते हैं तो उसमें भी आज आपको लाभ मिलते हुए दिख रहा है। भाई बहनों से थोड़ा सा वैचारिक मतभेद भी दिख रहा है, माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है। यदि न्यायालय में कोई भी वाद विवाद चल रहा होगा तो आपके प्रतिकूल होने की संभावनाएँ बन रही है। रोग और शत्रु को हल्के में न लें, उस पर गंभीरता से उसको समझें, विचार करें, चिंतन मंथन करें। आपकी कुछ ऐसे मित्र मंडली है जो आपको धोखा दे सकता है तो उस पर थोड़ा सा आपको केयरफुल होने की जरूरत है। अपने इंट्यूशन की बात माने, जो आपके अंतरात्मा की आवाज कहते उस आवाज को सुने, उस दिशा पर कार्य करें तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। पत्नी से थोड़ा सा अनबन की स्थिति हो सकती है। आज आपको सावधानियां क्या बरतनी है, सावधानी आज आपको ये बरतनी है कि गुस्सा पर नियंत्रण करना है और आवेश में आके कोई कार्य नहीं करना है। उपाय क्या करना है, आज आप क्या करें कि भगवान सूर्य देव की आराधना करें और गौशाला में जाके गाय को अपने हाथ से रोटी और गुड़ खिलाना आपके लिए अच्छा रहेगा। बंदरों को भुना हुआ चना खिलावें आपके लिए अच्छा रहेगा। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना आपके लिए बेहतर होगा। आपके लिए शुभ अंक है 5 और शुभ रंग है लाल। हरे कृष्ण।